अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बरवकास और कुक विदंबर में आप सबको कहती हूं खुशामदीद। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से और बिल्कुल ठीक होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार है। आज हम आपके लिए बनाएंगे यूनिक स्टाइल में कढ़ी पकौड़ा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आती है। प्लीज इसको ट्राई कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में बताइए की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज हम कढ़ी पकौड़ा आपके लिए बनाएंगे मिट्टी की हांडी में। इसको ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए की रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए चलते हैं किचन की जानिब और आपके साथ शेयर करते हैं कढ़ी पकौड़ा की मजेदार सी रेसिपी। जी तो व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम आपके लिए बनाएंगे पंजाबी स्टाइल मजेदार इंस्टेंट कढ़ी। यहाँ पर मौजूद है मेरे पास मिट्टी की हांडी, आप किसी भी किस्म का बर्तन ले सकते हैं। सबसे पहले मसाला रेडी करेंगे, तो मसाला रेडी करने के लिए इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे 4 to 5 टेबल स्पून। ये जो इसमें शामिल करेंगे, एक अदद प्याज, मैंने मीडियम साइज का प्याज लेके इसको इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस किया है, ये शामिल करते हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पे प्याज को ब्राउन होते तक अच्छे से कुक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, जब तक हम प्याज को ब्राउन करेंगे, मीनवाइल हम यहाँ पे रेडी करते हैं योगर्ट। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 1 किलो योगर्ट, जिसको मैंने रात में मंगवाया था और मंगवाने के बाद मैंने इसको एक बोल में डाल के तो मैंने ओवन में रखा था, ताकि थोड़ा सा दही जो है वो खट्टा हो जाए। तो इसमें हम शामिल करते हैं 5 टेबल स्पून बेसन। बेसन शामिल करने के बाद इसको हम विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसको ब्लेंडर में शामिल करके भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास ब्लेंडर नहीं है वो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करके इसका मिक्सचर रेडी कर सकते हैं। याद रहे कि ये मिक्सचर जो है वो लम्प फ्री होना चाहिए। अब इसमें हम पानी शामिल करते हैं, तकरीबन 1 ग्लास। अब योगर्ट मिक्सचर रेडी है कढ़ी में शामिल करने के लिए। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए प्याज इस तरह से हल्का गुलाबी हो चुका है। इसको मजीद हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करते हैं, ताकि लाइट गोल्ड सा हो जाए। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर मौजूद है मेरे पास 1 टेबल स्पून गार्लिक, जिसको मैंने मोटा मोटा इस तरह से कूट लिया है। अब इसमें हम ये शामिल करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए मसाला इस तरह से ब्राउन हो चुका है। हल्का सुनहरा होने पर इसमें अब हम शामिल करेंगे 1 कदर टमाटर, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस किया है और छिलका रिमूव किया है। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स हीप्ड, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर एंड 1/2 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून भर के लेंगे हम हल्दी, 1 टेबल स्पून हीप्ड सॉल्ट, 1 टेबल स्पून हीप्ड चिली पाउडर। जी तो व्यूअर्स, जब इसमें हम 3 to 4 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे, ताकि ये मसाला जो है वो बर्न ना हो। जी तो व्यूअर्स, जब हम इसको कवर करते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छी सी रेडी हो जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए बहुत मजे का मसाला जो है वो भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पालक, जिसको मैंने बारीक बारीक काटा है तकरीबन 1/2 बंच। इस पालक को हम अच्छे से मसाले में भूनेंगे। ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बहुत ही मजे की, बहुत ही लजीज बनेगी। इसको ट्राई कीजिए, राइस के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, बहुत ही मजे की लगेगी। तो आप लोग बहुत दफा कढ़ी बनाते हैं, लेकिन आज आप मेरे स्टाइल से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह रेसिपी आपको मुनफरिद और अच्छी लगेगी। ये देखिए पालक जो है वो अच्छे से मसाले में सॉफ्ट हो चुकी है। इसको अब हम कवर करते हैं 3-4 मिनट के लिए, ताकि पालक जो है वो अच्छे से गल जाए।
लीजिए ढेर से। देखिए पालक अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें यहाँ पर एक स्ट्रेनर रखेंगे और यहाँ पर जो दही वाला मिक्सचर हमने रेडी किया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। अब हाई फ्लेम पे हम कढ़ी को अच्छे से पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए और फिर हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे हल्के हल्के पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि कढ़ी जो है वो अच्छी सी पक के गाढ़ी हो जाए। जी तो व्यूअर्स, जब तक कढ़ी जो है वो पक रही है अब हम पकौड़ों का मिक्सचर रेडी करते हैं। पकौड़ों का मिक्सचर रेडी करने के लिए मेरे पास जो सब्जियां यहाँ पर मौजूद है, तो व्यूअर्स सब्जी में यहाँ पर मौजूद है मेरे पास 2 अदद आलू जिसको मैंने इस तरह से चॉप किया है। इसमें शामिल करेंगे 1/2 बंच पालक जिसको मैंने अच्छे से काट के धो लिया है। 1/2 बंच हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ सब्ज धनिया, 1 अदद बारीक स्लाइस प्याज, 3 से 4 अदद सब्ज मिर्ची। मसालों में हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून हीप्ड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून हीप्ड लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया साबुत वाला, 1 टीस्पून गरम मसाला जो कि मैंने घर पे फ्रेश कूटा है, 1 टेबल स्पून हीप सॉल्ट या आप हंसपे जायका नमक भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मौजूद है मेरे पास 250 ग्राम बेसन। जी तो 250 ग्राम बेसन में हम ये तमाम ड्राई मसाले शामिल करते हैं। इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून योगर्ट की वजह से पकौड़े जो है वो नाइस फ्लफी बनेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, मिक्सचर जो है वो रेडी करते हैं। पानी हम आहिस्ते आहिस्ते ऐड करेंगे ताकि मिक्सचर जो है वो पतला ना हो। ये जिसमें जो हमने योगर्ट ऐड किया था वो मीठे सोडे का जो है वो अल्टरनेट है। अब इसमें हमें मजीद मीठा सोडा शामिल करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम ये तमाम वेजीज ऐड करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं और आपके सामने वापस आते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह पकौड़ों का मिक्सचर बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। अब हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रखते हैं और उसके बाद हम इसको पकौड़े बना के नॉर्मली जैसे हम डीप फ्राई करते हैं वैसे हम इसके पकौड़े रेडी करेंगे। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह ये देखिए कढ़ी हमारी अच्छी सी नाइस पकना शुरू हो गई है। अब जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम लो पे रखा है और तकरीबन 30 से 40 मिनट्स के लिए हम इसको स्लो फ्लेम पे ही आहिस्ते आहिस्ते पकाएंगे। इसको ग्रेजुअली हिलाते रहेंगे ताकि इसमें मजीद लम्स नहीं बने। तो जब तक कढ़ी जो है वो अच्छी सी पक के गाढ़ी होती है तो मीनवाइल हम अपने पकोड़े रेडी करते हैं। जी तो पकोड़े फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में यहाँ पर तेल शामिल किया है, ये कुकिंग ऑयल है। इसमें हम स्मॉल स्मॉल बैचेस में जो है वो पकोड़े शामिल करेंगे, उसको गोल्डन होने तक पकाएंगे और फिर जो है वो हम जब तमाम पकौड़े बना लेंगे फिर हम इसको मुकम्मल कढ़ी तैयार होने के बाद इसमें शामिल करेंगे। जी त्वीर जी देखिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे पकौड़े बना के ऑयल में शामिल किए हैं। इसको हम मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे और फिर हाई फ्लेम पे इसको क्रिस्प करेंगे। याद रखें कि जो कढ़ी में डालने वाले पकौड़े होते हैं उसको हम थोड़ा सा डार्क कलर देते हैं ताकि कढ़ी में जाने के बाद जब वो सौगी हों तो वो टूटे नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट ना लगे। तो इसको हम ओवर क्रिस्प करेंगे, मतलब इसका जो नॉर्मल से कलर है वो ज़्यादा डार्क होगा। जी तो व्यूअर्स ये देखिए पकौड़े हमने फ्राई किए हैं और इस तरह से हम इसका नाइस डार्क गोल्डन कलर करेंगे ताकि ये कढ़ी में जाने के बाद सौगी ना हो। तो इस तरह से हम तमाम पकौड़ों को फ्राई करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपके सामने वापस आते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह कढ़ी बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी है। हमने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी रखी है, अगर आप चाहें तो इसको मजीद गाढ़ा भी कर सकते हैं लेकिन जब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे तो फिर ये मजीद गाढ़ी भी हो जाएंगी। तो इसको हम लोग इतना रखेंगे ताकि पकौड़े शामिल करने के बाद इसकी थिकनेस जो है वो मजीद थिक ना हो। अब कढ़ी रेडी है तो हम इसका तड़का बनाते हैं। तो जी तो व्यूअर्स कढ़ी के लिए अब हम तड़का रेडी करते हैं। एक पैन में हम शामिल करेंगे 5 से 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे
जी तिवेश, तड़के के लिए हमारे पास यहाँ पर एक अदद लार्ज अनियन था जिसको हमने इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस किया है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर बटन चिलीज मौजूद हैं तकरीबन 10 से 12 अदद एंड 1 टीस्पून ऑफ सफ़ेद ज़ीरा। तो अब ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज शामिल करके इसको ब्राउन करते हैं। जी तिवेश, ये देखिए प्याज को हमने इस तरह से गोल्डन ब्राउन किया है। अब इसमें हम जीरा और मिर्चे जो है वो शामिल करते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। चूल्हा बंद करते हैं, तड़का बिल्कुल रेडी है। अब कढ़ाई में हम ये तमाम पकौड़े शामिल करते हैं। अब इसकी टॉपिंग पे हम ताज़ा कुटा गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जी तो माशाल्लाह कढ़ी रेडी हो चुकी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। सर्दियों का सीजन है, कढ़ी अच्छी लगती है। इसको एंजॉय कीजिए, बनाइए अपनी फैमिली के साथ और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कुक विद अंबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके बिल्कुल टाइम पर। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको कढ़ी पकौड़ा की ये मजेदार और डिलीशियस रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कुक विद अंबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके बिल्कुल टाइम पर। मुझे दुआ में याद रखिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।